हेलो, मैं हूँ अली जजई। कैसे हैं मेरे ए फैम्स? लेकर आ चुकी हूँ मिस रोज़ का कंसीलर, जो मैंने कहा था कि मैं बाद में ऐड करूँगी। ये रहा, तो फटाफट से इसके पैकेजिंग हटाते हैं और इसको भी इसी के साथ रख लेते हैं, वरना तो मैं भूल जाऊँगी रखना। अहमद, ओके गाइस, तो पिछले पार्ट में जो आप लोगों ने देखा था, हमने सारी चीजें सेट करके रख ली थी। अब बस हमें इस जो है ना सूटकेस में रखनी है, तो मैंने आपको बेड से कवर अप कर दिया, ठीक है? आई थिंक आपको दिख रहा होगा। और फिर हमारे पास आएंगे दो बैग, जिसके अंदर स्किन केयर है इसके अंदर, और इसके अंदर है हमारा मेकअप, ठीक है? तो हम इन दोनों को रखेंगे यहाँ, आई थिंक ऐसे रखते हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ एक ड्रेस है जो मेरा आना है, वो वॉश होने के लिए गया हुआ है, तो मैंने इसलिए उसकी स्पेस छोड़ी है। वो तो मैं कल भी आराम से रख दूंगी, उसका प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे बहुत तेज वाली प्यास लग रही है। ओके, तो नेक्स्ट वी हैव दीज टू बॉक्सेस, जिसके अंदर हमारी वॉच है एंड ज्वेलरी है। एंड आई थिंक ये यहीं रख देते हैं या यहाँ रखें, लेकिन फिर शूज कहाँ आएंगे? शूज आएंगे यहाँ, शूज आएंगे यहाँ रखते हैं। स्ट्रेट में रखो, ऐसे ज्यादा जगह घेरे हैं ऐसे। हाँ देख, अब कोने में होगा, वहाँ बॉक्सेस रख सकती है तो यहाँ। हाँ देख, आ रहे होंगे ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना? नहीं नहीं ऐसे बहुत बड़ा हो जाएगा। क्यों ऐसा? तो फिर कोई और चीज रख दो, ये स्ट्रेटनर स्ट्रेट रख देना ना, कुछ और आ जाएगा, वो रख देना, वो भी इसमें रख देना। अब इसको छोड़, हाँ स्ट्रेटनर, मुझे स्ट्रेटनर, आई हैव दिस वन, ठीक है? मेरे पास अब जो है ना, ये है दो स्ट्रेटनर, दो रहेंगे, एक ही स्ट्रेटनर है और एक है मेरे पास, अभी दिखाती हूँ, ठीक है? वी हैव ब्लो ड्रायर, ठीक है? ये रहा, ये 3-in-1 है, ठीक है? एयर ब्रश भी है, ब्लो ड्रायर भी है, और आई थिंक ये स्ट्रेट भी कर देता है वालों को, ठीक है? तो हम ये भी इधर ही रख देते हैं, सही है ना? फिट करो पहले, सही से स्ट्रेटनर निकालो पहले, अंदर से पहले इसको रखना चाहते तुम्हें। ये नीचे क्यों घुस रहा है ये थोड़ा? तो स्पेस नहीं है ना वहाँ, शूज सही है, और मुझे समझ आ रहा कि मेरे सामान में। ये है बूट्स, ठीक है? ब्लैक बूट्स हैं, और मेरा बहुत एक ड्रीम था कि मैं लेकर जाऊँ ब्लैक बूट्स, तो मैंने ले लिए, ठीक है? काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं और काफ़ी मुझे पसंद आए थे, और मैं ट्राई कर रही हूँ कि ये कहीं ऐसी जगह में रख दूँ जहाँ मैं इसको फोल्ड करूँ तो ये फोल्ड हो गया। ओके, आई एम ट्राइंग टू डू दिस। व्हाट अबाउट दिस शूज? फिर आपको ये पहन के जाना पड़ेगा। नो 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 नो, ये आपको फिर पहन के जाना पड़ेगा, और भी रिमेनिंग चीज़ें हैं वो भी रखनी है। इसमें से बोर्ड से घुसेड़ होगी क्या? तो और क्या रखूं इसके अंदर, तो फिर स्ट्रेटनर वगैरह इसमें घुसा देते हैं, तो फिर बोर्ड्स की तो यही जगह बनेगी और कहीं जगह नहीं बनेगी। तो बोर्ड एक आ रहा है, दूसरा तो आ भी नहीं रहा, दूसरा नहीं आ रहा। अगर इसको मैं ऐसे करके रखूंगी, हां तो साइड करके रखो ना, इसलिए मैं फ्लैट करके रख रहा था, तुमने फुलाया और जगह घेर। मम्मा ने बोला कि ये जो है ना इसका वो मसला हो जाएगा, और जगह घेर रहे हैं ये, तो बहुत जगह घेर रहे हैं, निकाल दो फिर एक बार। ओके, तो हमने इसके अंदर ना वो डाले थे, बिकॉज ये लेदर के है ना, तो इसके ऊपर जो इस तरह से निशान बन रहे थे, लेकिन अब हम कुछ नहीं कर सकते बिकॉज ये नहीं फिट हो पा रहे हैं, क्योंकि ये सूटकेस थोड़ा छोटा और मेरे ताम दाम ज़्यादा है और मेरी अम्मा मुझे पहले ही कह चुकी थी, ये बार देख लो तुम्हारे सूटकेस में तुम्हारा इतना सारा ताम तो बड़ा सामान आ जाएगा जो तुम फैला के बैठी हो।
और शी वॉज राइट कि ये नहीं आ रहा है, हमें फिट करना पड़ेगा जैसे जैसे, और करते हैं कुछ ना कुछ तो। तो बात तो वही आ गई ना फिर, अब कम जगह करेगा देखा। ओके तो ये रहे हमारे पास न्यू खुस्से, ठीक है ये न्यू है, मैंने एक ही बार पहने होंगे क्योंकि ये मुझे मेरे भाई ने ईद पर गिफ्ट करे थे एंड उसके बाद मैंने पहने थे इसको एक ही दफ़ा और उसके बाद नहीं पहने थे, तो हम ये वाले भी लेकर जा रहे हैं बिकॉज थोड़ा सा एक दो इंडियन ड्रेसेस भी है तो हो सकता है हम उसके साथ इन दोनों को पेयर अप कर लो। दोनों शूज़ तो नहीं ले जा सकती ना, एक तो हमें चाहिए था, ठीक है इसकी एयर निकालनी पड़ेगी। हम इसको इसमें डाल रहे हैं, ठीक है ठीक है। अब हम देखेंगे ये वाले शूज मुझे उठा के देना ताकि मैं दिखा दूं। अब ये वाले शूज भी मैंने न्यू ही लिए हैं, बिल्कुल न्यू हैं, अभी अभी जाके लिए हैं, और ये देखो मैंने न्यू व्हाइट कलर के लिए और ये बहुत खूबसूरत हैं, ठीक है। पहले मेरे पास पिंक कलर के थे चेन वाले, बट मैंने इस बार व्हाइट वाले लिए एंड ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये यहाँ आ तो जाएंगे, मुझे मसला नहीं है, यहाँ पर आई थिंक ये फिट भी हो जाएंगे, ठीक है हो जाएंगे, मैं कर लूँगी जैसे जैसे, लेकिन मेरा भाई बोल रहा है ये आप पहन के चले जाओ तो ज़्यादा बेटर है। इसके बाद मैं एक बेल्ट भी लेकर जा रही हूँ इन केस हमें ज़रूरत पड़ सकती है, बिकॉज मैंने पैंट रखी हुई है तीन, तो अभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए मैं एक बेल्ट रख रही हूँ अपने साथ, इसमें ही डाल रही हूँ डायरेक्ट, और अब इस जिप को बंद कर दूंगी बिकॉज अब इसमें और कुछ नहीं आ सकता, ठीक है। लास्ट वी हैव दीज थ्री थिंग्स, ठीक है, और एक और पाउच जो अभी मैंने बनाया नहीं है, विच इज लाइक उसके अंदर जो, हाँ उसके अंदर भी टॉयलेटरीज ही है, लेकिन जैसे ब्रश और टूथपेस्ट वगैरह वो सब चीजें आएंगी उसमें, और वो हम मैं आपको दिखाऊंगी लास्ट में। फिलहाल तो हमारे पास ये तीन बॉक्सेस हैं जो हमें फिट करने हैं। यहाँ हमने रख दिया ज्वेलरी और वॉचेस, ठीक है। आई थिंक यहाँ ख़त्म हो गया हमारा सब कुछ, आई थिंक, ठीक है। हाँ ये हमारा ब्रश रह गया एक, मैं बैकपैक पे अपने कोई और सा डाल के लेके जाऊँगी। ये वाला जो हेयर ब्रश है एंड ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ती है, और मैं हेयर ब्रश से ज़्यादा ईजिली कॉम करती हूँ, तो इस वजह से मैं ये यूज़ करती थोड़ा मोटा ही सही, लेकिन पैक हो गया हमारा बैग और ये जिप हो जाएगा बहुत आराम से, इतना भी सामान नहीं है इसमें, ठीक है। मैं इतनी भी ज़्यादा सामान नहीं लेके जाती, सो प्लीज़ डोंट बी लाइक दैट। और ये हमारा पैक हो गया, तो इतना सामान नहीं लेके जाती, क्या मतलब तमीज़ी है, तमीज़ नहीं आपको। और तो अब मैं बताती हूँ, एक्चुअली मैं जा रही हूँ किसी से मिलने, अपने रिलेटिव से मिलने, यानी कि मैं जा रही हूँ अपनी पप्पो के घर, ठीक है। मेरी एक पप्पो जो है आउट ऑफ द सिटी रहती हैं, और जो है कहाँ रहती है वो आपको पता लगेगा अगले वाले ब्लॉग में जब हम जा रहे होंगे यहाँ से, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली हम किसी के घर जा रहे हैं, और मैं सच सच बताती हूँ मैं तब गई थी जब मैं गोद में थी, और तब से लेके अब तक मैं कभी नहीं गई उनके घर, और आज मैं पहली बार जा रही हूँ। तो फिर मम्मा पापा ने सोचा कि हम लोग कुछ गिफ्ट वगैरह उनके लिए ले लेते हैं बिकॉज़ ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले पप्पा और पप्पी के लिए ड्रेस लेकर आए थे, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, और मेरा भाई हज़रा है क्योंकि इसमें मैं बहुत बार ब्लंडर कर चुकी हूँ, पप्पा पप्पी पप्पो पप्पी। अच्छा इसके बाद बच्चों के लिए हम कुछ चीज़ें लेकर आए, तो वन बाय वन दिखाऊंगी, उसके बाद आप टाइम लैप्स पे देखना कि मैंने किस तरह से उसको सेट करा है, ठीक है। सबसे पहले ये है मेरी मेरे पप्पा का ड्रेस, ठीक है। पप्पा के लिए हम लोगों ने नॉर्मल कमीज सलवार लिया है, हमारा जो पाकिस्तानी ट्रेडिशनल होता है उसी तरीके का, और पप्पो के लिए हम लोगों ने लिया है ये थ्री पीस ड्रेस, और ठीक है। तो इसको खोल वोल के नहीं दिखा रही हूँ मैं बस इसको पैक करूँगी। अच्छा बच्चों के लिए मतलब मेरे दो छोटे कजिन्स हैं वहाँ पर, तो उनके लिए सबसे पहले हम लोगों ने लिए चॉकलेट्स, बिकॉज ऑब्वियसली बच्चों को चॉकलेट्स ही पसंद आती है। तो ये आई थिंक हाँ ये फेरी रोज की, ये फेरो रोज है क्या, काइंड ऑफ, हाँ काइंड ऑफ ये वही लगती है, पता नहीं। खैर हमने इसको खोला भी नहीं है, ये बस जैसी आई थी ऐसी लेकर आए थे, पापा लेकर आए थे, और ये कैरेमल की कोई चॉकलेट है, ठीक है। एंड देन वी हैव अ लॉट ऑफ एबीसी जेली, ठीक है, और ये बचपन में हमने बहुत खाई है। इसके बाद लास्ट में वी हैव दिस फिनी की गैलेक्सी मैक्स कोई कैंडी है ये, ठीक है। तो अब इन सब चीज़ों को पैक करते हैं, for the leaving the night, lightning, wishing for the leaving the night.
बस 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 बहुत है। ओके तो द बास्केट इज रेडी एंड आई थिंक ये बहुत प्यारी लग रही है, बहुत क्यूट लग रही है, एज अ गिफ्ट ये बहुत अच्छी लग रही है। ठीक है तो हम ये देंगे उनको और ड्रेसेस हमें जो है ना उस बैग में डाल लें। बैग उठा लो। बस ड्रेसेस के लिए हम एक सिंपल सा बैग लेकर आए थे कि इसमें डाल के दे देंगे। ठीक है ये गया उनका आदमी तो और आगे तो मुझसे पूछोगे क्या क्या आएगा क्या क्या आएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स छाचा आपा ठापा वाठा ये बड़ा है। चलो हाँ अब सही है। ट्राइपॉड फोन फोन्स बल्कि वॉलेट एंड स्लिपर्स एंड बॉटल और सिपर वगैरह सिपर ये वाले सिपर एंड बॉटल बॉटल मम्मा लेके जा रही है और कॉम और वो ब्रश वगैरह वो तो इसमें डालेंगे ना। ओके गाइस पूरे दिन की मेहनत और मशक्कत के बाद अब हमें मिली है एक कप चाय तो मैं चाय पी रही हूँ। ठीक है और इसके साथ साथ मैं ले आई हूँ अपना बैकपैक भी। ठीक है और हम इसे भी साथ ही पैक कर लेंगे बिकॉज फिर उसके बाद हमारे पास सिर्फ एक दो चीज़ें हैं जो कवर अप करनी हैं, जैसे कि इसके लिए मुझे स्नैक्स चाहिए जो मुझे ट्रेन में खाने के लिए चिटर मुटर के लिए, क्योंकि कभी भी भूख लग जाती है और सच बताओ ना बाहर की चीज़ों के लिए मैं बहुत ज़्यादा वो हूँ कि मैं बहुत खाती हूँ लेकिन घर के खाने नहीं खाती दैट्स ट्रू। और मेरी अम्मा भी अगर मेरी अम्मा के पास अपना वो होता ना तो वो नीचे कॉमेंट कर रही होती कि हाँ ये चीज़ सही बोल रही है। अच्छा तो खैर ये है कि हम लोग जो है अब इसको पैक करने वाले हैं। मुझे नींद आने लगी है। अच्छा गाइस तो चाय वाय पीते के साथ साथ ही हम बैग को पैक कर लेंगे अपने वगैरह में बहुत ज़्यादा। अच्छा तो सबसे पहले मेन मेजर इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हर किसी के बैग में होनी चाहिए विच इज चार्जर और उसके साथ उसके कॉर्ड बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड ऑफकोर्स आई हैव टू फोन्स, एक तो ये जिससे मैं शूट करती हूँ विच इज आईफोन, ठीक है, एंड द अदर वन इज एंड्रॉयड ओप्पो का। तो मुझे दोनों के कॉर्ड्स चाहिए होती हैं, ठीक है, तो मैं दोनों के कॉर्ड्स को इस तरह से करके ओके मैंने दोनों को इस तरह से करके ये मेरे भाई ने भाई के पास था, ये इस तरह से लीड्स को ना जोड़ के रखता है तो ये काफी हैंडी है। अगर आप कहीं जाओ नॉर्मल दिनों में भी आप अपने बैकपैक में ये रख सकते हो। ठीक है तो ये हो गए इसके कॉर्ड्स और ये हमारे पास अडेप्टर है। मैं आईफोन वाला अडेप्टर लेके जा रही हूँ, इसमें दोनों लगा के और चार्ज कर लूँगी। ठीक है अब कहाँ कहाँ मैं सेपरेट सेपरेट अडेप्टर भी जो कैरी करूँ, मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है, वैसे ही ऑलरेडी मेरा बहुत सामान है। अच्छा इसके बाद आई हैव वॉलेट, ठीक है, विच सेज हैव अ गुड लाइफ, ठीक है, और उसमें थोड़ा बहुत सा कैश है। वैसे तो मैं पापा के साथ जा रही हूँ, जो भी चाहिए होगा उनसे मांग लूँगी, वो दे देंगे अमाउंट, लेकिन ये फिर भी मैंने शशको के लिए कैरी कर रखा है। ठीक है देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ अ क्लचर एंड अ स्क्रंची। मैं पोनीज यूज़ नहीं करती क्योंकि वो खींचते हैं मतलब रबर बैंड वगैरह, तो मैं स्क्रंची प्रेफर करती हूँ तो मैं वो लेके जाऊँगी। एंड नेक्स्ट ये एक टेंट मैं रख रही हूँ क्योंकि मैं बार बार इस सूटकेस को नहीं खोल सकती हूँ, सो इस वजह से मैं अगर मुझे लगाना हुआ टेंट सुबह वीडियोज़ वगैरह के लिए व्लॉग वगैरह के लिए तो मैं अपने साथ एक बैक पैक में भी कैरी करी। नेक्स्ट आई हैव माई एयरपॉड्स, ठीक है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए बिकॉज मैंने सोचा था कि मैं छोटे मोटे सी चीज़ें ला कर और फिर वहाँ जाके बैठ कर आराम से खा के चीज़ें वीज़ें देखूँगी, वीडियोज़ वगैरह देखूँगी बहुत सारी, तो आई थिंक ये हो जाएगा शायद। ओके गाइस सो द नेक्स्ट आई हैव दिस गॉगल्स ग्लासेस कुछ भी कह सकते हो आप, ठीक है, एंड दिस लुक समथिंग लाइक दैट। हाँ आई नो थोड़े से बड़े लग रहे हैं फेस पे लेकिन यार इससे ज़्यादा अच्छे मुझे कहीं मिले ही नहीं, तो ठीक है। और अब मैं इतनी अमीर नहीं हूँ कि गुची और इन सब चीज़ों के पहनूंगी ग्लासेस, तो लिमिट के हिसाब से ये भी एक्सपेंसिव है
टू बी वेरी ऑनेस्ट, ग्लासेस भी एक्सपेंसिव हो गए। अच्छा नेक्स्ट जो मैंने आपको दिखाया था, आई थिंक ये बताया था ना इसके बारे में, जो ये क्रिस्टल रोलर पता नहीं क्या कहते हैं इसको, ये मैं इस वाले बैकपैक में रखने वाली हूँ बिकॉज इसकी नीड है इधर, ठीक है। देन ऑफकोर्स मेरे साथ जाएगा मेरा सिपर, और इसके अंदर जाएंगे, हाँ एक मैं ये लेके जा रही हूँ क्योंकि मैंने सुना था, पता नहीं पापा बता रही थी कि बारिश वगैरह हो रही थी कुछ दिन पहले, तो इनकेस मैं ये वाटर केस रख के लेके, वाटर केस ही बोलेंगे ना इसको, वाटर केस रख के लेके जा रही हूँ, कहीं वीडियो बनानी हो तो फ़ोन में इसमें डाल के और आराम से शूट कर सकती हूँ, ठीक है। ओके तो नेक्स्ट मैं लेके जा रही हूँ ये वाला परफ्यूम, ठीक है, ये पॉकेट फ्रेंडली परफ्यूम है, पॉकेट परफ्यूम है, ये पॉकेट परफ्यूम बोलेंगे इसको, हाँ ठीक है, और ये ट्रैवलिंग के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। इतनी लंबी पॉकेट किसकी होती, मैंने मैं भी यही बोलने वाली थी अभी, मैंने जब उसको देखा था मैंने कहा पॉकेट परफ्यूम ना नहीं लग रहा, खैर कोई बात नहीं। अच्छा जी नेक्स्ट मैंने इस बॉक्स में इसको इसलिए रखा है बिकॉज ये बहुत छोटा है, मैंने इसके अंदर ना दो तीन डेकोरेटिव क्लिप्स रख ली हैं ताकि इनकेस मुझे कोई हेयर स्टाइल बनाना हुआ तो मैं यहाँ क्लिप वगैरह सेट करके, और एक दो बाल पेन रख ली बिकॉज ये एसेंशियल है, ये ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव अ वुडन कॉम, ठीक है, अब मुझे पता नहीं ये वुडन है भी कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है ये प्लास्टिक कॉम है, लेकिन कहते हैं वुडन कॉम यूज़ करो तो अच्छा होता है आपके बालों के लिए, तो इसलिए मैंने लिया था ये, और मुझे नहीं पता वुडन है कि नहीं। टीशूज़ ये तो मेरे पहले से पड़े हैं बहुत टाइम पहले से, लेकिन यह मैं रख के लेके जाऊँगी टीशूज़ बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट। एंड लास्ट थिंक, मतलब लास्ट थिंक नहीं, अभी हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि इसमें और कुछ आएगा कि नहीं, क्योंकि अभी मैंने पूरा बैकपैक सही से वो नहीं करा, इसके अंदर मैं अपने टॉवल रख के लेके जा रही हूँ, ठीक है, फेस वॉश करने के बाद मैं ये यूज़ करती हूँ, एंड देन आई हैव एन अदर हैंड क्रीम जो कि मैं अलीसा टॉवल से टॉवल मैडम याद आ गया मुझे, हाँ टॉवल मैडम वो प्यार लव से मैं कहाँ ड्रामा मेरे भाई का और मेरा बहुत फेवरेट था, और ना हम लोगों को वो कहती है ना उसकी अम्मा है क्या टॉवल मैडम, टॉवल अच्छा, तो ये हैंड क्रीम है, और इसके अंदर आएगा ब्रश मेरा और टूथपेस्ट, ठीक है, वो जब मैं ले आऊँगी तब दिखाऊंगी, मतलब ब्रश तो है लेकिन टूथपेस्ट नहीं है, हमारे पास लार्ज साइज का आता है हमारे घर में, अब मिनी वर्जन लेकर आना पड़ेगा उसका, तो अभी मैं चीज़ियाँ लेने जा रही हूँ अपनी, अभी मैं चीज़ियाँ लेकर आऊँगी तो फिर हम इस बैग को पैक करेंगे। ओके गाइस तो मैं चीज़ें लेकर आ चुकी हूँ खाने पीने की, ठीक है, बहुत सारी लेकर आई हूँ, तो अब टाइम है अपने बैकपैक को फाइनल पैक करने का, और बस फिर उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे, मतलब कल निकल जाएंगे और हमारी पैकिंग कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहले इस वाले ये टॉयलेटरी का एक मैंने पैक बनाया हुआ है, मतलब एक ये पाउच है, और मैं इसी के साथ जो बैग के साथ आया था उसी को लेके जाऊंगी, बिकॉज हम ये जो है ना सूटकेस में नहीं रख सकते तो इसलिए हम इसमें रखेंगे, एंड ये 3 ब्रशेज हैं क्योंकि हम 3 लोग जा रहे हैं, मैं मम्मा एंड पापा। अच्छा इसके बाद लास्ट हमारे पास ये क्यूट लिटिल कोलगेट है जो मैं अभी लेकर आई हूँ, ठीक है, ट्रैवलिंग के लिए, और लास्ट इसमें रखेंगे एक हैंड क्रीम, दैट्स इट। चलो अब करते हैं बैग को पैक, सबसे पहले इसके अंदर आ जाएंगी हमारी सारी, मैं जो खाने पीने का सामान है वो सारा इस साइड पर रखूंगी और बाकी जो चीज़ें वो इधर रखूंगी, ठीक है, 2 कंपार्टमेंट हैं इसका, एक सेट पार्ट ये है कि इसके अंदर कोई ऐसे छोटे मोटे कंपार्टमेंट नहीं है, ये बड़े बड़े ही हैं यहाँ पे सारे, बस 2 ही हैं, 2-3 ही हैं, और इसमें सबसे पहले जो मैं लेसेस रखूंगी, लेसेस मतलब लेस रखूंगी, और बाकी 2-3 पापड़ मैं और लेकर आई हूँ, आई लव दिस पॉपिटोस, या क्योंकि डोरिटोस हमारे यहाँ नहीं खाए जा सकते तो हम पॉपिटोस खाएंगे, ये हलाल। अच्छा इसके बाद ये आई थिंक सारे यहाँ तो पापड़ ही फिट हो गए हैं, फिल हो गए। अच्छा इसके अंदर ना इसके ऊपर ही मैं रख दूंगी ये केक्स बिस्किट्स और ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो मैं लेकर आई थी, ये सारी चीज़ें, ठीक है, यहाँ पर ये हो गया फिट, ठीक है, आई थिंक हाँ सही है। अब इसके बाद ये कुछ 9 चॉकलेट्स में लेकर आई थी अपने लिए, ये हो गई टॉफीज, जैसे कि मैंने बताया तो छोटा इतना ज़्यादा कंपार्टमेंट नहीं है, तो टॉफीज ना मैं इसमें डालूंगी, ये मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट करा था जब हमारा लास्ट प्रैक्टिकल था, उसने मुझे इसमें कैंडी भी डाल के दी थी, और फिर ये जो है हम इसमें ये वाली भी डाल देंगे, और जो बच जाएगी वो मेरे भाई की जो उसका लक, एंड वो हाथ खिला के बैठ चुका है, आई थिंक मैं थोड़ी थोड़ी सेपरेट कर करके ले जाती हूँ। अच्छा 2 तो दे दो, इतना होशियारी क्यों कर रहा है, ला देख, एक तेरा एक मेरा, 2 तेरा ये 2 मेरा, वो चॉकलेट वाला मेरा, कौन चॉकलेट वाला, ये क्राउन मेरा, चल चल कौन सी कैंडी आई, मैंने नहीं ट्राई करी, ये लो ठीक है गाइस, दिस इज ब्लू ब्लू जा मैं रही हूं, लेकिन सामान इसका इतना लेकर आई हूँ ना मैं खाने पीने का,
हाँ ना, सब इसको हुए। अच्छा अब इसको तो हमने कर दिया सेट, अब जो है ना इसका पीछे का कंपार्टमेंट सेट करते हैं, ठीक है, जिसमें जगह बिल्कुल भी नहीं बची है, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट। खैर इसमें सबसे पहले हम ये वाला पाउच रखेंगे, ठीक है, वैसे आ तो जाएगी अगर हम फिट करेंगे ना सामान, तो आ जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। अच्छा वॉलेट मैं आगे वाली पॉकेट में ही रखने वाली हूँ अपने, वैसे तो उसमें कुछ इतना खासा कैश है नहीं, अगर चोरी भी हुआ तो कोई आई डोंट केयर माइंड, आई डोंट माइंड, ठीक है। देन स्क्रंची और केचर, ये तो मस्ट है, और मैं यही रख, ये यहाँ रखूँ या नहीं, क्या। एंड ये कोम, ये कोम मैं आगे फिट करूँ क्या, ये इन्होंने तो मामा वाली, ये तो मामा जो है ना मेडिसिन के बॉक्स में रखे, ये मेरी मेडिसिन, जैसे कि मेरे छाले हो रहे थे, मेरे छाले की मेडिसिन, और ये इनो वगैरह जो है ना पेनाडोल और ये सब चीजें जो है ना मामा रखने वाली है, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। देन आई हैव, नहीं ना ये ग्लास बॉटल है, इस पे जोर नहीं रखना चाहिए, तो ये आगे, अच्छा चलो आ तो जाएगा वैसे, हाँ आगे ये कोई सता भी नहीं, हाँ आ तो गया ये आगे, ठीक है हम इसको आगे रख देते हैं। और मैं ये डिब्बी भी छोटी वाली डिब्बी हो गया। अच्छा अच्छा इसके यहाँ पर हम सबसे पहले ये फोन केस रख लेंगे, ठीक है। देन दिस पोनी, ये मेरा क्लचर, ये मेरी मामा का क्लचर, ठीक है, मैं दोनों साथ ही रख रही हूँ। ये वाली टॉफी का बॉक्स, अब ये तो ऐसे भी रख दोगे तो ये पैक ही रहेगा, ठीक है ना। एंड लास्ट थिंग, लास्ट नहीं है और भी चीजें हैं अभी, तो अल्लाह कहाँ फिट करूंगी, मुझे समझ नहीं आ रहा। आई हैव टू सनग्लासेस, ठीक है, तो ये वाला मेरा है, ये आई थिंक मामा, मुझे याद नहीं है, हम दोनों कोई सा भी लगा लेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरा और मेरी मामा का अलग अलग नहीं है। अच्छा तो मैं फटाफट से बोल रही हूँ, क्योंकि मेरी जो है ना स्टोरेज फुल हो गई आईफोन की, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत बड़ा बन गया। खैर यहाँ मैं जो है कॉर्ड्स रख रही हूँ अपनी इस साइड पर, एंड देन हो गया, शुक्र। गाइस आई होप कि आप लोगों की वीडियो पसंद आई होगी और मेरी ये सीरीज भी पसंद आ रही होगी, तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड जो जो मेरे चैनल पर न्यू है, हाय आई एम अलीजा ज़ई, और मैं बनाती हूँ वीडियोस ब्यूटी रिलेटेड और ब्लॉगिंग एंड कंटेंट क्रिएट करती हूँ मैं यूट्यूब चैनल पर, एंड आई थिंक सभी कंटेंट क्रिएट करते हैं यूट्यूब चैनल पर, दैट्स सो मी। अच्छा ठीक है, ओके गाइस, तो अब मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, यानी कि जब हम जाने लगेंगे। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह बाय।